हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं आपके साथ, ये सॉन्ग ऑफ इंडिया प्लांट है, इंडोर प्लांट है, आप इसको सेमी शेड में भी ग्रो कर सकते हैं। इस प्लांट को रिपोर्ट करूँगा और इसके देखिए ये रूट बाउंड हो गया है प्लांट, लगभग 2 से 3 साल हो गए हैं इस छोटे से 10 इंच के पॉट में ही इसे लगे हुए मेरे पास। तो ये रूट बाउंड हो गया है, इसकी ग्रोथ स्लो हो गई थी काफ़ी टाइम से, तो ग्रोथ स्लो होने के कारण मुझे इसको लगा कि ये शायद रूट बाउंड हो चुका हो, तो मैंने चेक किया तो ये रूट बाउंड हुआ पड़ा था। तो आज आपके साथ शेयर करूंगा कैसे आप इसी पॉट के अंदर फिर से इसको रिपोर्ट कर सकते हैं बिना किसी बड़े साइज के पॉट को लगाए हुए। हम इसकी रूट प्रूनिंग करेंगे, तो किस तरह से हमने इसकी रूट प्रूनिंग करनी है, रूट की कटिंग करनी है और दोबारा से इसी पॉट के अंदर हम इसको लगा देंगे। क्योंकि देखिए हर बार पॉसिबल नहीं होता कि जब भी आपका प्लांट रूट बाउंड हो आप उसको नया पॉट दें और बड़ा पॉट दें, तो जिससे कि उसकी रूट्स दोबारा से बढ़ सकें। तो हम इसी की रूट्स को थोड़ा सा कट करके उसकी रूट्स को शैलो कर देंगे और इसी पॉट में दोबारा से नई खाद और नई मिट्टी देकर इसको फिर से लगा देंगे, तो ये बहुत अच्छे से फिर से ग्रोथ शुरू कर देगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ पहले आपको इसकी रूट्स निकाल कर। तो देखिए दोस्तों, जब भी आपका प्लांट रूट बाउंड हो उसको आप एक दिन पहले उसको अच्छी तरह से पानी दे दीजिए, ताकि उसकी जो थोड़ी सी मिट्टी है वो लूज़ हो जाए, थोड़ी नमी रहे। नमी होने के कारण क्या होगा, अगर आप इसको प्लांट को थोड़ा सा जोर से ऐसे हिला कर उसको जोर से ऐसे निकालेंगे तो वो प्लांट ये देखिए इस तरह से निकल आएगा। तो ये देखिए दोस्तों, इसकी रूट्स कितनी बड़ी बड़ी हो गई थी और ये बिल्कुल रूट बाउंड हो चुका है, 3 साल से इसी पॉट में, छोटे से पॉट में लगा हुआ था। तो इस कंडीशन में क्या होता है, प्लांट जो है वो मिट्टी से बिल्कुल भी कंपोस्ट या कुछ भी इस तरह से एनर्जी लेनी बंद कर देता है और अपनी ग्रोथ उसकी बिल्कुल स्लो हो जाती है। और जितना भी आप पानी देंगे वो भी ऑलमोस्ट क्या होता है, साइडों से बिल्कुल निकल जाता है, या कोई भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे वो साइड से ही पॉट की बिल्कुल निकल जाता है, तो प्लांट को वो एनर्जी मिल नहीं पाती जो आप देना चाहते हैं उसको। तो इसको हम अब क्लीन करेंगे और सारी इसकी जो रूट्स हैं उसको कट करेंगे। और प्लांट को देखिए सर्वाइव करने के लिए जो ये देखिए इसकी ये इस तरह से मोटी मोटी रूट्स आ रही हैं, इन रूट्स की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती उसको सर्वाइव करने के लिए। इसकी ये देखिए फाइब्रस रूट्स होती हैं, जो छोटी वाली रूट्स होती हैं उसकी रिक्वायरमेंट होती है, इससे ही प्लांट अच्छे से ग्रोथ करता है और अच्छे से अपना फूड लेता है। तो हम इन सभी रूट्स को ऐसे खोल देंगे और इसमें से ये मिट्टी सारी लूज कर देंगे, निकाल देंगे इसमें से सारी की सारी मिट्टी। तो इसको हम मैं करता हूँ फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें से मैंने सभी की सभी जो सारी की सारी मिट्टी है वो निकाल ली है बाहर। ये देखिए इस मिट्टी भी मेरी कितनी सॉफ्ट थी, ऐसे ही पोरस मिट्टी में आप ये देखिए प्लांट्स लगाइए तो बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी है, बिल्कुल भी जुड़ के नहीं रहेगी, इस तरह से बहुत अच्छी सी ग्रोथ करते हैं प्लांट्स। तो अब जितनी ये वाली रूट्स हैं इसकी सारी की सारी हम कट कर देंगे और इसके साथ बस ये थोड़ी सी ये फाइब्रस रूट्स हैं और ये थोड़ी सी बड़ी रूट्स हैं ये छोड़ देंगे, ये सारी रूट्स को रिमूव कर दिया जाएगा। इसको मैं कटर की मदद से कट कर दूंगा बिल्कुल आराम से, इसको सारी की सारी रूट्स को इसको यहाँ से ऐसे कटिंग कर देंगे इन रूट्स की, ताकि ये बिल्कुल ये जितने भी ये रूट्स का ये देखिए गुच्छा बना हुआ है सभी का सभी निकाल देंगे इसमें से और फिर से इसको नई सॉइल देंगे अब। तो ये देखिए मैंने सभी के सभी इसकी जो रूट्स हैं वो सारी मोटी मोटी रूट्स निकाल दी हैं और ये हमारे पास इस तरह से देखिए ये प्लांट रह गया है इसकी। अब ये रूट्स हैं जो मैंने छोड़ दी हैं लगभग, तो इसको ये देखिए नीचे से सारी रूट्स काट दिए, यहाँ से ये न्यू रूट्स अपनी निकालेगा सारी की सारी, डिवेल्प करेगा फ्यूचर में तो फिर से अच्छी ग्रोथ करेगा। अब जो यही वाली पॉटिंग सॉइल है, ये वाली मैं इसमें सॉइल यूज़ करूँगा, इसके अंदर दोबारा से हम खाद मिला देंगे थोड़ी सी और बोन मील मिला दूंगा और नीम की खली इसमें थोड़ी सी ऐड कर दूंगा। तो यही वाली पॉटिंग सॉइल दोबारा से इसमें ऐड करूँगा। और ये देखिए ये मेरे से क्या हुआ है, ये प्लांट को ये रूट्स इसकी काटते हुए मेरे से बाई चांस हाथ लग के इसकी ये एक स्टेम टूट गई है, तो इसको भी हम इसको ग्रो कर देंगे साथ के साथ ही, इसी पॉट में इसकी कटिंग लगा देंगे तो ये कटिंग भी ग्रो हो जाएगी आसानी से। तो ये देखिए मैंने ये सॉइल तैयार कर ली है, इसके अंदर थोड़ी सी मैंने क्वांटिटी सीवीड की भी ऐड की है, तो जिसमें इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फिर से इसको मिल जाएं, और कंपोस्ट ऐड कर ली है थोड़ी सी, काउडंग कंपोस्ट, बोन मील और नीम खली, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर ली हैं। और अब इसी सॉइल को इस पॉट में फिल कर दूंगा दोबारा से। तो जब भी आप पॉट को फिल करें तो पहले नीचे ड्रेनेज होल अच्छी तरह से चेक कर लें, उसके ऊपर मैंने बताया भी था, वीडियो भी बनाई थी, ठीकरी लगा लेनी है अच्छी तरह से आपने। फिर उसके बाद आप कोई भी इसके ऊपर पुरानी कोई डेड लीव्स वगैरह या खाद वगैरह थोड़ी सी डाल सकते हैं जिससे कि पानी रुके नहीं। फिर उसके बाद हम इसमें सॉइल फिल कर देंगे। और ये देखिए जो हमने कटिंग लगानी है वो कटिंग को भी मैंने नीचे की इसकी सारी लीव्स निकाल दी हैं और इस पॉट में ही डाल दी हैं। तो हमने फिल
हाफ पोर्ट कर लिया, इसके बाद हम इस पे ऊपर अपना प्लांट रखेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल सही जगह पर हमारा प्लांट आएगा और इसकी साइड पे हम पूरी पॉटिंग मिक्स फिल करके और ये हमारा प्लांट रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए हमने अपना पॉट बिल्कुल रेडी कर दिया है और इसकी एक दो ब्रांचेस साइड से लटक रही थी तो मैंने इसको यहाँ से बांध दिया है देखिए धागे से। तो अब इसी के अंदर ये देखिए सिंपली कुछ भी नहीं करना आपने, इसी तरह से कटिंग बिल्कुल पॉट की साइड के अंदर ही इस तरह से ही बिना किसी रूटिंग हार्मोन के इसी कटिंग ग्रो हो जाती है और आपने ये इस तरह से देखिए लगा देनी है, 2 से 3 इंच अंदर गहरी लगा देनी है और पानी देकर इसको शेडेड प्लेस पर रख देना है। वैसे भी ये इंडोर प्लांट है, आप इसको शेड में ही रखिए तो अच्छा है, थोड़ा ब्राइट लाइट में भी रख सकते हैं, लेकिन हमने अभी अभी रिपोर्ट किया है इसको तो अभी हम इसको शेड में ही रखेंगे 2 से 3 दिन, उसके बाद इसको हम जो भी जहाँ पर भी अपना प्लेस करना चाहें वहाँ पर कर सकते हैं। तो बस दोस्तों यही आपके साथ वीडियो शेयर करनी थी, इस तरह से आप अपने रूट बाउंड प्लांट को फिर से उसी पॉट के अंदर सेम साइज पॉट में रिपोर्ट कीजिए और बहुत अच्छी सी हेल्दी ग्रोथ दीजिए दोबारा से प्लांट को। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर किस दिन मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।